इंडिया गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। चुनाव बीते अभी चार महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन दोनों के बीच दूरियां अभी से दिखने लगी। बीजेपी विरोध में एक विचार दिखाने वाले दोनों दल सीट बंटवारे में एक विचार नहीं दिखा पा रहे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों दलों में सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। यूपी के फूलपुर में जहां उपचुनाव होना है, वहां कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच के सामने कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ता एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। और ये सब कुछ मन से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 19 से ज्यादा सीटें दी। अब ये तस्वीर देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये तस्वीर लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त की है, जब राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक साथ आए थे। लेकिन अब उसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट सकता है और इसकी वजह बनेगा चुनाव में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है, अखिलेश यादव उसे उतनी सीट देने को ही तैयार नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है, यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़े। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो था 2%, यानी एक विधानसभा के अंदर 5,500 से 6,000 वोट अंदाजन। तो यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो आपको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी सफलता आपको मिली है वो समाजवादी पार्टी की वजह से मिली है। कल्पना करिए कि यदि आप रायबरेली और अमेठी में अपने आप चुनाव लड़ रहे होते तो क्या स्थितियां बनती। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है, इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश यादव नहीं भूले होंगे और हो सकता है कि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। बीजेपी अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। ये स्वार्थ का एक बंधन है जिसे ठग बंधन कहते हैं। दोनों पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं जो समय समय पर समाज को ठगती हैं, और आप जानते हैं कि चोरों की लड़ाई किस लिए होती है, माल के बंटवारे को लेकर होती है। जब भी कभी बंटवारे की बात आएगी तो दोनों के गठबंधन, दोनों के स्वार्थ वाले बंधन टूट जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यूपी में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाना भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। कांग्रेस बहुत प्रेशर बनाए हुए है समाजवादी पार्टी में, दूसरी तरह समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त है। वजह क्या है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत अच्छा था। 62 सीटों पर लड़के वो 37 सीट जीती थी और कांग्रेस 17 सीट पर लड़के 6 सीट जीत पाई थी, यानी 50% से कम कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था, जबकि समाजवादी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो 50% से ज़्यादा था। तो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंडिया अलायंस के दोनों दल आपस में ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फिलहाल इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर 5 सीटें देने का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 से 2 सीटें देने की ही बात सामने आ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में इस इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब उपचुनाव में इसमें दो फाड़
हो सकता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस अखिलेश यादव से उसी दरियादिली की उम्मीद जता रही है और साथ ही साथ उन्हें अकेले उपचुनाव में लड़ने का तेवर भी दिखा रही है। प्रयागराज से मोहम्मद गफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।